छत्तीसगढ़ के संभाग के ग्राम पंचायत खोंपा में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने अपना जी जान लगाकर खूब पसीना बहाया। खास बात यहां यह रही कि खिलाड़ी खेल की भावना से खेलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस मैच में 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच खोंपा और दुग्गा टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक भी गोल नहीं कर सकी। मैच में दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष रहा। मैच को अंत में टाई ब्रेकर करना पड़ा, जिससे खोंपा ने दुग्गा को 3-1 से पराजित कर जीत हासिल की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए हार और जीत चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में टीएस सिंह देव व संसदीय सचिव बचगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े द्वारा विजेता टीम को 31,000 रुपए नगद एवं शील्ड व उप विजेता को 21,000 रुपए नगद व शील्ड से पुरस्कृत किया गया। संभाग से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि बच के रहिए, तो बच के रहना है। देश में कोरोना का एक भी प्रकरण नहीं था, आज 1 करोड़ पहुंचने वाला है। हमारे देश में कोरोना की जांच जहां तक हुई है, बाकी तो न जाने कहां तक पहुंचा होगा। बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी लोग कहते हैं कि आपको हो के आप ठीक हो गए होंगे, पता नहीं चला। हालांकि मैंने टेस्ट बहुत कराया है, 8-10 बार मैं भी टेस्ट करा चुका हूँ, अभी तक पकड़ाया नहीं हूँ, फिर कराऊंगा। होगी तो होगी, देखे फिर दवा भी कर वो। लेकिन ये कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है, इससे बहुत डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात है। अब वैक्सीन भी आ रही है, दुनिया में कई जगह वैक्सीन बन भी गई है। कुछ वैक्सीन को इस्तेमाल करने की अनुमति भी उन देशों ने दे दी है। अमेरिका में 2 वैक्सीन की अनुमति मिल गई है, देश में भी जल्दी अनुमति मिल जाएगी। 6 कंपनियां हैं जो ये वैक्सीन बना रही हैं। कम उम्र के बच्चों को लेकिन सावधानी मत छोड़िएगा। 12 साल 14 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा ऐसा लगता है महसूस हो रही है। कम उम्र के बच्चों को ये कोरोना उतना नहीं पकड़ रहा है, लेकिन उससे खुल्लम खुल्ला नहीं घूमना है, थोड़ा बच बच के घूमना है, कुछ मास्क नहीं पहनना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.